आज जनाब मंडी जवाम कट्ठी होगी है, प्याज ने रेट अब काफी है कि मंडी ना नहीं है ए, प्याज ना जरा मार्केट ही रेट है दुकाना तकरीबन 1200 रुपया बिकना पिया हुआ। इसका किसरा देना जनाब 1600 रुपया तड़ी बिकना पिया हुआ। तो यह जनाब कोई इंतजामिया इतना मौजूद नहीं है, एक किस्म ने कोई इस मंडी च रेट लिस्ट नहीं आवेजा, कुछ चीज़ ना रेट नहीं लगा हुआ कि कड़ी चीज़ कड़े रेट है बिकसी। तो इस वजह तो आवाम सख्त परेशान है, मंडी ना मतलब होना कि आम दुकाना तू अशियाए खुरदोनोश या जड़ियाँ वो नॉर्मल रेट है लबनियाँ, हालांकि इस मंडी जड़ा रेट है उसकी पोजिशन है कि आम दुकाना तू वह ज़्यादा रेट है। इंतजामिया बिल्कुल सत्तू पी तो सुती भी है, कोई होश नहीं है किसी किस्म नहीं, ना इतना कोई रेट लिस्ट आवेजा हो रही है और आवाम सरापा एहतजाज है। कहने जी जनाब रेटा ने बारे दुकाना ने रेटा ने बारे इधर रेट बराबर है तो फिर मंडी चने ना मकसद ठीक। एक्शन कमेटी ने मुतहरक मेंबर है इसरार साहब, तो जनाब सर मंडी ना मतलब होना कि अशियाए खुरदोनोश सस्ते तरीन रेटा लभनियाँ। फर्ज करो अगर कुछ दुकाना पर रेट कुछ चीज़ है ना 100 रुपया है तो मंडी उस तू मतलब 10% 20% घट रेट पर होनी है, तो क्या है मतलब कि इंतजामिया भी एक्शन नहीं गिनी रही तो आवाम भी इंतजामिया सब तो पहले तो मैं बस हाँ जो अपना नए नायब तहसीलदार साहब आए ठीक है ये तो बिल्कुल ही माड़े नहीं असल नहीं गुजरिया तो ना कोई सिस्टम है उनकी चाहिए कि रेत लिस्टा ही नहीं ऐसा हूँ गवाही ने तौर असा पहले अनी ने को पूछा कि प्याज किस रहे ना जी 1600 रुपया गवाही ने तौर असा बुनो दुकानदार बुलाया इस ना दुकानदार साहब आया जी कि यह प्याज में 1200 रुपया देना लगे ठीक है ठीक है हूँ 12 तो 416 400 रुपये का दुकाना की तो इतने हूँ प्या वाले दुकानदार है कि चलो 150 महंगा करना चाहिए ठीक है क्योंकि वो दुकान का किराया देना बिजली का बिल देना बाकी चीज़ा साफ सुथरिया इतना रात क्या पोजिशन होनी है थला मारो ना जरा प्याज हांडिया ही जाना राती था क्या पोजीशन होनी नाड़ा ने सारे लोग जानने हो ठीक है नायब तहसीलदार साहब ने ना ही ली है ठीक है ना ही नहीं वजह तू जाना है इतने जाना है पत्ताखोरी चली दी ठीक है प्याज 1600 रुपया बिल्कुल यार गर्मी में भाई और ये ना क्या जी के 1200 रुपया प्याज बाजार ही बिकना लगा ठीक है ये बजाय आने के असर रेट से लगा आने जी वो असा की प्याज दे जोड़ो मतलब के इन वो भी महंगा करी बेच रहा है असा की दे जोड़ो असा उसकी भी 1600 करीता है चाल आ गया ठीक है ठीक है तो ये गल ही के जानना नायब तहसीलदार साहब सरकारी रेट लिस्ट इतना अवेजा करन अगले जुमे की यानी चेक करन बाजार का रेट भी चेक करन अगर अगले जुमे नायब तहसीलदार साहब ये काम नहीं करने लगे हुए बाजार की एक चीज़ जाना 400 रुपया सॉरी 1200 रुपया मिली मंडी ने अंदर 1600 रुपया कचरा मिलना लगे या पिया पिया व राती तक कुत्ते बैठे रहे होने ठीक है तो इसकी काफ़ी सारा फर्क लगना लगा हुआ अगर ये एडवाइजर ना दो ये इतने का उधर से इधर से नहीं सिंपल आप रेट बताएं बस इतना बात है। चलें जी स्टार्ट करो भैया अपना आलू किस तरह है 350 रुपये आप दुकानदार हैं आप आलू किस तरह दे रहे हैं इसे चलो आलू 320 रुपये चलो ठीक हो गया जी 30 रुपये का फर्क आ गया मंडी और इसमें खान साहब ये बंद गोभी कितने का दे रहे हैं 100 रुपये किलो सर ठीक है मंडी और इसका रेट बराबर आ गया मटर खान साहब 150 रुपये किलो 150 ये मंडी का बाजार का रेट बराबर आ गया जी मटर ये नहीं होगा इनके पास चलो यार जरा जो भी होगा वो छोड़ो ये बहस वाली बात नहीं है ये बहस गाजर आ गई 75 रुपये किलो 75 रुपये किलो 70 रुपये दे देते हैं हम भी 300 रुपए दड़ी ठीक है जी बराबर या 10 रुपए का फर्क नहीं है खीरा 100 रुपए किलो ये भी बराबर है जी टिंडा 150 बराबर है टमाटर 180 150 30 रुपए मंडी में महंगा और दुकान में 30 रुपए सस्ता अदरक खान साहब गोभी गोभी 120 120 जनाब कुदर के दुकानदार साहब गोभी सा किसरा दे रहे हो गोभी असा कुछ चंगी है इसको गोभी 150 बेच इसको अच्छी है ये गोभी नहीं ठीक है ये आगे आई है जी गुंगलू सुना गुंगलू 100 का 2.5 किलो 60 रुपए किलो 60 रुपए किलो ठीक है जी हां जी अच्छा प्रोड हो के डाल दो कौन सा वो पालक ओ सारे असा में ये देने हैं 33 33 रुपए भाई बराबर 33 ग्राम 33 मेथी 33 हर चीज 33 रुपए की दी है और इंशाल्लाह रमजान में अगर हम हुए तो 100 की 4 और 5 भी वो उस वक्त चल यानी कि चलाएंगे इंशाल्लाह रमजान में लोगों को रिलीफ दे इंशाल्लाह ऐसा तकी किंदा जी मंडी की तरह दुकाना की फर्क ठीक है असा जरा इतने सब्जियां किया दुकानदार साहब जी कहते फ्रूट आए तो इन्हों को भी यानी कि 20-30 रुपये ना फर्क अच्छा लगा हुआ मंडी 20-30 रुपया सस्ता होना चाहिए बाजार 20-30 रुपया महंगा होना चाहिए इतना सूरत हाल यही है कि मंडी 20-30 रुपया महंगा तो बाजार के अंदर 20-30 रुपया सस्ता।